सो हेलो गाइस, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल द गेम ऑफ माइंड। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक इंटरेस्टिंग सी वीडियो, जिसके अंदर हम आपको हिडन प्लेस के बारे में बताएंगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो नानजी। कुछ कुछ हिडन प्लेस होती हैं जहाँ पे हम सरवाइव कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं गाइस एक इंट्रो के साथ, तो इंजॉय करो इंट्रो को। सो गाइज, हमारी पहली हिडन प्लेस है काटू लिस्तिवा। तो देख, हमें सिंपली करना क्या है, ये वाला लॉन्च पैड लेना है और सामने वाले टावर पे एम करना है बस। हम उस टावर पे एम करके सिर्फ लॉन्च करना है सिंपली। अब देखो, मैं गया और देखो आराम से, किसी को पता नहीं चलेगा कि हम ऊपर टावर पे बैठे हैं। तो देखो, यहाँ से आसपास सारा दिख रहा है कि दूर तक दिख रहा है कि हाँ आसपास कोई बंदा हो तो हम ऊपर से उसको मार सकें। तो गाइज देखो, और अगर आपको ये हिडन प्लेस पहली अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो चैनल को यार, और ऐसी अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए। तो चलो बिगर टाइम वेस्ट करें, चलते हैं दूसरी हिडन प्लेस पे। तो लेट्स गो गाइज। सो गाइज, हम आ चुके हैं अपनी दूसरी हिडन प्लेस पे। तो ये हमारी शिपयार्ड में, शिपयार्ड के अंदर हमें क्या करना होता है, सिर्फ इस रेलिंग के ऊपर चलना है। सिंपली क्या है, इस रेलिंग के ऊपर चढ़ के बिल्कुल आराम से, तो नीचे गिर जाएंगे आराम से। हमें सिर्फ ऊपर तक पहुंचना है रेलिंग के सबसे ऊपर। देखो गाइज, नीचे बंदा है, अभी देखते हैं डैमेज ना दे, बस नहीं दिया गाइज। चलो चला गया हो, चलो देखो आराम आराम से ऊपर चढ़ना है। और गाइज यहाँ पे आलोक की हमारी एबिलिटी अभी फुल नहीं है, तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा। तो गाइज आलोक की एबिलिटी फुल हो चुकी है, तो अब हमें सिंपली करना क्या है, आलोक ऑन करके भागना है और जंप मारना है, बस सिंपल यही है। देखो सिंपल वही करा और हम पहुंच गए उसके छत के ऊपर। तो ये गाइज जब हेल्प करता है, जब हम फर्स्ट फाइट ले रहे होते हैं, जब प्लेन से उतरते हैं, जब ज़्यादा बंदे होते हैं, तो हमें वहाँ पर हेल्प करता है। तो देखो मैं डैमेज दे रहा हूँ बंदे को। तो चलो गाइज, अब बिगर टाइम वेस्ट करें, चलते हैं अपनी तीसरी हिडन प्लेस की तरफ। लेट्स गो गाइज। सो गाइस, तीसरी हिडन प्लेस भी हमारी शिपयार्ड में ही है। सिंपली हमें करना क्या है, लॉन्च पैड लेके उस टावर पे एम करके सिर्फ कूदना है। देखो हम आ गए आराम से, बिल्कुल आराम से ऊपर से, किसी को पता नहीं चलेगा कि हम कहाँ पे हैं। आराम से सरवाइव कर सकते हैं, अगर कोई रैंक पुश कर रहा हो तो कम से कम सेकेंड जोन तक तो यहाँ पे जोन बनता है, उतने टाइम तक के लिए तो आप सरवाइव कर सकते हैं। तो देखते हैं गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो चैनल को, और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। और अगर हमारे साथ अगर बातचीत करनी हो या गेम वगैरह खेलना हो तो डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन करो, लिंक रहेगा डिस्क्रिप्शन में सब चीज़ों का। तो चलते हैं अब चौथी हिडन प्लेस की तरफ, बिगर टाइम वेस्ट करें। सो गाइज, हमारी चौथी हिडन प्लेस है ऑब्जर्वेटरी से पहले। तो हमें सिंपली करना क्या है, सामने वाले पेड़ के ऊपर हमें एम करना है लॉन्च पैड से, और सिंपली कर छोड़ देना, मतलब सीधा लॉन्च कर देना। और देखो अब देखना, अब गायब हो जाओगे, ऐसे ट्रिक है। देखो बंदा दिखेगा ही नहीं किसी को। तो गाइज ये मैंने ही ढूंढी है हिडन प्लेस, तो लाइक करना वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा यार, और सब्सक्राइब कर दो यार चैनल को। तो चलो पांचवी हिडन प्लेस की तरफ बढ़ते हैं आगे। तो पांचवी हिडन प्लेस हमारी ऑब्जर्वेटरी के लॉन्च पैड से है। तो यहाँ से हमें सिंपली करना क्या है, ये वाला लॉन्च पैड लेना है, और जो राइट में ट्री है, इस ट्री पे हमें देखो जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे ही करना बिल्कुल, मैं तो कहीं और चले जाऊँगे। ये तो बीच में कट दिख रहा है ना, ये जो बीच में कट दिख रहा है, इसी कट के बीच में आपको उसकी रेंज करनी है और लॉन्च कर देना है। अब देखो मैं कहाँ जाके निकलूँगा, देखो सीधा एंगर पे। गाइस देखो ये बहुत हिडन प्लेसेस हैं, तो अगर आप अपनी गेम में से यूज करो, देखो आपकी रैंक जरूर बढ़ेगी।
तो ये हमारी छठी और आखिरी, ये भी हमारी ऑब्जर्वेटरी से ही है। तो हमें सिंपली करना क्या है, ये जो पेड़ का जो सबसे टॉप दिख रहा है ना, हमें यहाँ से लॉन्च पैड को मतलब उस पर एम करना है लॉन्च पैड का, और सिंपली छोड़ देना है, लॉन्च हो जाना है। अब देखो मैं करके दिखाता हूँ, ये देखो हम सिंपली लॉन्च हो गए। अब देखो मैं ऐसी जगह निकलूंगा ना, मतलब बंदे को पता ही चलेगा। और अधिकतर बात ये होती है कि यहाँ पे बंदे हमें जरूर मिलते हैं, अगर कोई किल्स के लिए खेल रहा है तो यहाँ पे जरूर आ सकता है। तो अगर देखो गाइस नीचे का सारा दिख रहा है, अगर आपको किल्स करने हैं तो ये प्लेस सबसे बढ़िया है, क्योंकि बंदे जो होते हैं ना क्लॉक टावर से भी जब लड़ाई हो रही होती है तो वहां से डर के भी यहाँ आते हैं एंगर की तरफ में, और कुछ बंदे एंगर पे उतरते ही उतरते हैं, तो आप यहाँ से आराम से किल निकाल सकते हो। तो आई होप गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना चैनल को, और ज़्यादा ज़्यादा सब्सक्राइब करो यार, जल्दी जल्दी 1K करा दो, तो फिर हम गिव अवेज करेंगे।